नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम एक वॉल आर्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होंगे, बेसिक ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, गाइडलाइंस बनाने के लिए, बेस के लिए मैं यहाँ पे एक केक का बोर्ड यूज़ करूँगी। यूजुअली लोग इसे MDF बोर्ड पे बनाते हैं, पर आज मैं जो भी सामान घर पे है उनसे ही ये आर्टवर्क बनाऊँगी। नेक्स्ट हम क्ले यूज़ करेंगे। मुझे YouTube ने एक मिस्ट्री बॉक्स भेजा था जिसमें मुझे ये तीन क्ले मिले थे, तीन क्ले के बॉटल्स मिले थे। ये बेसिकली ये एक प्लेइंग क्ले है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इस आर्टवर्क को बनाने के लिए मिरर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं दो टाइप्स के मिरर्स यूज़ कर रही हूँ, और सेंटर के लिए एक सर्कुलर मिरर। और पेंटिंग के लिए यहाँ मैं गौश पेंट्स यूज़ करूँगी यूजिंग अ पेंट ब्रश। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस बोर्ड का हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लस मार्क बना रही हूँ, और उसके बाद कॉम्पास के हेल्प से सेंटर फाइंड आउट करूँगी। अगर आपको इससे बेटर कोई टेक्निक पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसके अनसिल्वर साइड को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप ये सिल्वर लेयर निकालते हो ना, कई बार वो अच्छे से नहीं निकलता और हमें इसको पेंट भी करना है, तो हम अनसिल्वर साइड को यूज़ करेंगे। सेंटर मिलने के बाद अब हम इस पर गाइडलाइंस मार्क करेंगे। ये मेजरमेंट्स आपके मिरर्स के बेसिस पे करें। आप मिरर्स को बोर्ड पे रख के देख सकते हो कि आपको कितना स्पेस चाहिए, और उसको मार्क कर लीजिए। बीच में हम कुछ स्मॉल साइज के सर्कल्स भी बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ पेंट करेंगे। अब हम एक प्रोट्रैक्टर से एंगल्स मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं 20 डिग्री से स्टार्ट कर रही हूँ, 20, 40, 60 एक्सेट्रा। मार्क करने के बाद एक रूलर से इस पे लाइंस बना लेंगे। अब हमें जैसा डिज़ाइन चाहिए उसको एक पेंसिल से बना लेंगे। यहाँ पे मैं पेटल्स बना रही हूँ। ड्राइंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस चाहिए तो उसको भी मार्क कर लीजिए। अब बेसिक आउटलाइन होने के बाद मैं यहाँ कॉम्पस से इस पे आउटलाइन बना लूँगी रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब हम इस पे पेंट करेंगे तो पेंसिल लाइंस नहीं दिखेंगे। चलिए, तो अब हम इसे पेंट कर लेंगे। पैलेट के लिए मैं यहाँ एक ग्लास यूज़ कर रही हूँ।
और इस आर्टवर्क में बेसिकली मैं दो कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, टील कलर और ब्लैक कलर। तो पहले हम टील कलर लगा लेंगे और उसके बाद ब्लैक को। ये आपके थीम पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कलर्स चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पेटल्स को ब्लू कलर करूँगी और पीछे जो बैकग्राउंड स्पेस है उनको मैं ब्लैक कलर करूँगी। अगर आप इस आर्टवर्क के लिए दो कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो। अगर कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा दिखेगा।
हम इस बोर्ड के एजेस को भी पेंट कर लेंगे तो फिनिश बहुत अच्छा दिखेगा। चलिए तो अब हमारा बोर्ड पेंट हो चुका है। अब इस पे हम क्ले यूज़ करेंगे। क्ले को हम बॉटल से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको थिन रोल कर लेंगे। अगर आपको रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर का आटा ही यूज़ किया है। इसको यूनिफॉर्मली रोल कर लेंगे। इसको हम बोर्ड पे फेविकॉल से चिपका लेंगे। इसको बनाने के लिए मुझे बहुत ही टाइम लगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टूट रहा था जब भी मैं इसको थिन रोल कर रही थी। तो फाइनली मैंने क्ले को पार्ट्स में ही यूज़ किया है। पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप ये करोगे तो वो क्ले का कंटिन्यूस लाइन हो, तब आपका आर्टवर्क अच्छा दिखेगा। क्ले को चिपकाने के बाद इसको हम वाइट कलर से पेंट कर लेंगे ताकि इसका कलर यूनिफॉर्म हो।
करने के बाद अब हम मिरर्स को चिपका लेंगे। आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप मिरर्स को चिपका लेना फेविकॉल की मदद से। मिरर्स को हमने बोर्ड पे चिपका लिया है। फाइनली अब मैं यहाँ माइल्ड येलो पेंट यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं इसका पोल्का डॉट्स कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ स्क्यूअर स्टिक्स और पेंट ब्रश को यूज़ किया है। सो फाइनली अब ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो ऐसे वॉल आर्ट्स बनाने के लिए जो आप घर पे पड़े सामान से ही कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।